फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये शाम के टाइम क्यों वीडियो बना रहे। एक्चुअली सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का नाइट शिफ्ट चालू हो रहा है, उनके ड्यूटी के अनुसार मुझे मेरा रूटीन बनाना पड़ता है। इसकी वजह से, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके उसको खाना भी देना पड़ता है, हस्बैंड को खाना खा के सोते हैं, इसकी वजह से अभी मैंने शाम के टाइम के आपके साथ बात कर रही हूँ, कुछ माइंड मत करेगा। अभी रात के लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड का नाइट शिफ्ट, वो जल्दी जाते हैं इसकी वजह से। तो आज मैं सोयाबीन करी बनाऊँगी, इसकी वजह से मैं बोल रही आप लोग के साथ वो शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हो मैंने सप्पा का कवर डाला है। मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहा है, ज़रूर बताएगा मेरा सप्पा का कवर। आज मैंने डाला है, इधर दो, कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा मेरा सप्पा का कवर, क्योंकि कवर मैंने लाया नहीं था, आज लेके आया था, इसकी वजह से डाला है। मैंने सो गई थी, अभी उठ के खाना बनाना है मुझे, इसकी वजह से मेरी आवाज़ आप लोग को ऐसा आ रहा होगा। तो चलिए मैं सोयाबीन करी कैसे बनाती हूँ, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए देखते सोयाबीन करी कैसे बनाती हूँ। सोयाबीन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई डाल दिया, आप देख सकते हो, मतलब कढ़ाई बैठा दिया था। यहाँ पे सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, आप देख सकते हो। अभी उसका पानी मैं निकाल दूँगी, अच्छी तरह उसका पानी निकलेगा। उसको ठंडी पानी में बिल्कुल ही मत लगाना है, मैं उसको गर्म पानी में डाला था, तो आपको गर्म पानी में ही उसको डालना है। देख सकते हो मैं सारा पानी निकल दिया है, अभी कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैं रिफाइन का तेल दे रही हूँ, आप चाहो तो सरसों का तेल भी बना सकते हो। अभी जो सोयाबीन में रखा था उसको फ्राई करूंगी। नमक भी आए, इसके साथ हल्दी पाउडर, मैंने यहाँ पर छोटी सोयाबीन लिया है, आप चाहो तो बड़ी सोयाबीन भी ले सकते हो, बड़ी सोयाबीन भी बना सकते हो। और एक बात मैंने उसको फ्राई इसलिए किया है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी रह जाता है ना, तो निकल के जाते हैं, और फ्राई करके बनाने में मज़ा ही कुछ अलग है, उसका टेस्ट भी कुछ अलग है, इसकी वजह से मैं फ्राई करके बनाती हूँ। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, जैसे मर्जी आप वैसे ही बना सकते हो।
अभी मैं इसको फ्राई कर दिया और फिर निकल दूंगी इसको। सेम कढ़ाई में मैंने और तेल दूंगी, रिफाइंड तेल। उसके साथ जो कटा हुआ प्याज रखा था उसको दूंगी। मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे मैंने कटा हुआ प्याज लिया है एक बड़ी साइज का, एक टमाटर बड़ी साइज का लिया है, उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप लोग हर वीडियो में देख रहे होंगे क्योंकि मैं डब्बा देख रहा हूँ, इसकी वजह से डब्बा देख रहा हूँ। मैं मसाला इसमें पीस के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मुझे हर बार बनाना नहीं पड़ता, एक बार बनाऊँगी तो 10-15 दिन मेरा हो जाता है, इसकी वजह से मैं बना के रख देती हूँ। अभी तेल गर्म हो चुका है, जो कटा हुआ प्याज रखती है उसको ले लूँगी। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करूंगी जैसे प्याज पूरा लाल हो जाए। देख सकते हो प्याज अच्छी तरह लाल हो चुका है। अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, एक बड़ी चम्मच, बड़ी चम्मच से थोड़ी ज्यादा। नमक ध्यान रखिएगा क्योंकि जो सोयाबीन फ्राई किया ना तो उसमें नमक डाला था, इसकी वजह से नमक जब डालोगे ना तो देख के डालना। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सबको अच्छी तरह मिला दें। उसमें जो टमाटर कट के रखा था उसको दे दूंगी।
भी इसमें थोड़ी सी पानी देती हूँ ताकि मसाला नीचे जल ना जाए। अभी उसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी जैसे टमाटर पूरा सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी बन जाए। मैंने यहाँ पर टमाटर छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाला है। आप चाहो तो उसमें पेस्ट भी डाल सकते हो, पेस्ट भी डालने से अच्छी लगती है, लेकिन मैंने पेस्ट नहीं किया है। अभी इसमें एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर लेना है। देख सकते हो मसाला अच्छी तरह हो चुका है। अभी उसमें जो साबुन फेंक करके रखा था उसको दे देंगे। इसको अच्छी तरह मिला देंगी। अभी इसमें थोड़ी पानी दूंगी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ जिससे इसमें पूरा उबाल आ जाए। Thank you.
सकते हैं, इसमें उबाल आ चुका है। देख सकते हो मेरे सोयाबीन की करी बन के पूरा रेडी है। नेक्स्ट चलिए देख, मैं अभी गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि मेरा सब्जी बन के पूरा रेडी है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक दूंगी। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाली थी क्योंकि सोयाबीन को आप ऐसे भी खा सकते हो, सोयाबीन करी जैसे रोटी के साथ, चावल के साथ, या फिर आप ऐसे उसमें काकड़ी, प्याज और धनिया का पत्ता ये सब ऐसे मिला के भी खा सकते हो। ऐसे ही खा सकते हो। एक बार ऐसे खाएगा फिर मुझे बताना, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग एक बार ज़रूर खाना, फिर आपका फिनिश मेरे साथ शेयर करना। आपने तो देखा मैंने सोयाबीन करी कैसे बनाया, जैसे बनाया एक बार ज़रूर बना के खाएगा फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि चावल के साथ भी आप खा सकते हो या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी आप खा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया काकड़ी, प्याज और तुम भी मतलब धनिया का पत्ता डाल के, और धनिया का पत्ता इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया क्योंकि मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी भी बनती है। जैसे चाट वगैरह खाते ना ऐसे ही लगता है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर खाना, मुझे फिर बताना आज का ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा, ज़रूर बताएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। फ्यूचर में जो वीडियो मेरा नया आएगा आप इसको मिस ना कर सकते हो। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएगा। प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को क्योंकि आपके सपोर्ट में बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, आगे भी नहीं जा पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और लाइक भी कर देना, बेल बटन को भी दबा देना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रखूँगी, आप लोग के साथ कल मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले बाय, रात के लिए गुड नाइट।